हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो यूपीएसआई 2020 की 5623 पोस्ट जो आने वाली है उसको लेकर मैं ये वीडियो बनाया हूँ, और आपके फॉर्म कब आएंगे और आपका एग्ज़ाम कब होगा इसको लेके मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल एक UPPRPB के ऑफिशियल साइट पे आया था नोटिस, आप देख चुके होंगे। आप देखिए, डेट आपको दिखा रहे हैं 1 जून 2020 की है। ये उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के 3012 एवं महिलाओं के 623 पदों के लिए जेल वार्डर, आरक्षी, घुड़सवारी, पुलिस के 102 तथा फायरमैन के 2065 पदों पर सीधी भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा के संबंध में। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो चलिए दिखाते हैं। मेन पॉइंट इसमें यही है कि उक्त भर्ती के संबंध में लिखित परीक्षा माह सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो ये हालांकि आपका एग्ज़ाम का डेट दे चुका है कि सितंबर माह में, सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस एग्ज़ाम में भी लगभग 7 से 8 लाख लोग हैं। तो कोरोना वायरस का प्रकोप कम हुआ है और उसको देखते हुए अपना कार्य धीरे धीरे बोर्ड कार्य चालू कर दिया है। तो चलिए और आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या है आगे। आप जैसा देख पा रहे होंगे SSC भी अपना डेट शेड्यूल जारी कर चुका है, जो 17/8/2020 से लगभग 14 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो SSC भी आपका अपना काम चालू कर दिया है। तो इसको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि UPSI 2020 के जो 5623 पोस्ट हैं उसका जुलाई में फार्म, जुलाई शुरुआत तो नहीं कहेंगे, जुलाई लास्ट तक आपके फार्म आने के पूरे पूरे चांस है। और आपका बात करें एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम आपका सितंबर लास्ट सप्ताह में आपका जो जेल वार्डर फायरमैन के एग्ज़ाम्स होने के बाद लगभग अक्टूबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में होने के पूरे पूरे चांस है। और जैसा कि आपने पहले कुछ दिनों पहले RK विश्वकर्मा साहब का इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने बोला है कि UPSI की वैकेंसी की पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। तो जल्द से जल्द ये वैकेंसी आएगी और आपका सितंबर से पहले, कुछ यूट्यूबर भाई बता रहे हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में होगा और जेल वार्डर फायरमैन एग्ज़ाम्स के बाद होंगे। और चलिए आगे बात करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो जय एग्ज़ाम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए आगे और एक एक करके। जैसा कि हमारे PM साहब और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और एम्स के अध्यक्ष रणदीप गुलेरिया ने भी ये बोला है कि हमको अब कोरोना वायरस के साथ जीना होगा, रहना होगा। तो हालांकि इसको देखते हुए SSC तथा भर्ती बोर्ड भी अपना काम लगातार कर रहा है। तथा बात करें कि UP इलेक्शन की, तो 2022 में UP इलेक्शन भी हैं और लगभग दिसंबर तक आपका इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हो जाएगा, तो अपना डेट को लेकर। तो इसलिए चुनाव को देखते हुए सरकार भी जल्दी करेगी और भर्ती बोर्ड तो पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। तो इसको देखते हुए आपके एग्ज़ाम जल्द से जल्द यानी लगभग अक्टूबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में होगा और आपके फॉर्म भी लगभग जुलाई लास्ट तक आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को करते रहें, रोके ना, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय एग्जाम। टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल जय एग्जाम, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।